वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट, मैं नरेंद्र मोर। आज हम मेटलर्जी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के चैप्टर नंबर फोर्थ, जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ स्क्रू थ्रेड एंड गेजेस, का फोर्थ लेक्चर लेने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इफेक्टिव डायोमीटर को कैसे मेज़र कराता है विद द हेल्प ऑफ टू वायर मेथड, इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं थ्री वायर मेथड। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने टू वायर मेथड का यूज़ करके कैसे मेजरमेंट करते हैं इफेक्टिव डायमीटर का, ये पढ़ा था। आज हम इफेक्टिव डायमीटर का मेज़र करेंगे, लेकिन विद द हेल्प ऑफ थ्री वायर मेथड। तो थ्री वायर मेथड में कुछ बड़ा टास्क नहीं होता है। जैसे मान लो कोई ऐसी वस्तु है जिसकी बाहरी सतह पर क्या है, थ्रेड है। तो आप क्या करते हैं, जो वायर होते हैं आपके पतले पतले इस तरह से वायर होते हैं, इस तरह से तीन वायर लेते हैं आप, तीन वायर को लेते हैं, लेकिन जो थ्रेड होती है वो भी उनके बीच में क्या होता है, गैप बहुत कम होता है। जब हम इन वायर को इनके बीच में रखते हैं तो ये कुछ गोल शेप में होते हैं। यहाँ पर अगर हम साइड से देखेंगे तो ये गोल शेप में होंगे। तो ऊपर वाले में हम एक लगा देते हैं और नीचे वाले जो ग्रुप होते हैं, मतलब खाली स्थान होते हैं चूड़ी वाले थ्रेड, यहाँ पर दो वायर लगाते हैं। नीचे वाले में वायर दो लगा दी मान लो, ऊपर वाले में वायर एक लगा दिया, तो ये क्या हो गया, थ्री वायर हो गए। अब इसमें क्या करते हैं, ऊपर से हम एनविल लगाते हैं, एनविल जिससे हमें डायमीटर को मेज़र करना है। और इफेक्टिव डायमीटर असल में होता क्या है, जैसे आपने जैसे यहाँ पर जो वायर लगाया है तो वायर कहाँ तक टच कर रहा है, यहाँ तक, और उससे नीचे का हिस्सा टच नहीं कर रहा, उसके नीचे का हिस्सा क्या खाली। तो इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए, यहाँ तक टच कर रहा है, इससे अंदर का हिस्सा क्या खाली है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, ये वाला जो डायमीटर होता है वो होता है हमारा इफेक्टिव डायमीटर। जैसे कि मान लो इस तरह से थ्रेडिंग बनी है, ठीक, यहाँ पर आपने क्या करा, खाली स्थान है, यहाँ पर एक लगा दिया आपने, वायर लगा दिया इस तरह से, यहाँ पर दो लगा दी नीचे, तो यहाँ पर तीन वायर हो गए। लेकिन जब आप वायर लगाते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अंदर कोई वायर टच नहीं कर रहा है, अंदर बीच में खाली है। इसी तरह से नीचे से भी देखिए, यहाँ पर वायर टच नहीं कर रहा है नीचे, तो बीच का जो हमारा ये वाला कह सकते हैं, ये वाला जो हमारा डायमीटर होगा ये क्या होगा, इफेक्टिव डायमीटर होगा। लेकिन इस इफेक्टिव डायमीटर का मान डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, क्योंकि डायरेक्ट आप यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू मेज़र ही नहीं कर पाएंगे, यहाँ से यहाँ तक का डायरेक्ट मान मेज़र नहीं कर पाते हम डायरेक्ट। तो डायरेक्ट मेज़र नहीं कर सकते, तो एक तरीका क्या होता है, एक तरीका ये होता है हमारा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को मेज़र करो और उसमें से इन दोनों के डायमीटर को घटा दो। मतलब मान लो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लो m है, तो m में से क्या कर दो, माइनस कर दो, कितना, इसका व्यास, इसका व्यास, इसका और इसका व्यास, तो क्या हो जाता है, m माइनस 2d। तो कौन सा व्यास आ जाएगा आपका, ये इफेक्टिव डायमीटर तो आ जाएगा। तो इस तरह से एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस से निकालते हैं हम, ठीक है। तो इफेक्टिव डायमीटर के, इफेक्टिव डायमीटर को कैलकुलेट करने के लिए हम थ्री वायर मेथड का यूज़ करते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। द थ्री वायर मेथड इज़ द एक्यूरेट मेथड, ये इसकी एक्यूरेसी होती है टू वायर मेथड से भी ज़्यादा एक्यूरेसी होती है। इससे हम इफेक्टिव डायमीटर जो मेज़र करते हैं उसकी वैल्यू बहुत एक्यूरेटली मेज़र कर पाते हैं, ठीक है। इन दिस मेथड थ्री वायर ऑफ इक्वल एंड प्रिसाइज डायमीटर, जो तीन वायर होते हैं वो तीनों के होते हैं इक्वल होते हैं और एकदम सेम टू सेम कह सकते हैं डायमेंशन में होते हैं। डायमीटर आर प्लेस इन द ग्रूव एट अपोजिट साइड ऑफ स्क्रू, जो स्क्रू में जो ग्रूव बनी होती है, जो खाली स्थान बने होते हैं, उनके बीच में हम वायर को लगाते हैं। इन दिस वन वायर ऑन वन साइड, एक वायर एक साइड पर होता है और टू ऑन द अदर टू साइड अदर साइड, मतलब एक वायर एक साइड पर होता है और दो वायर दूसरी तरफ होते हैं। दी वायर आइदर मे हेल्ड इन हैंड और हंग फ्रॉम अ स्टैंड, ठीक है, स्टैंड के साथ हम उसको कर देते हैं, एक जगह पे होल्ड करके रखते हैं वायर के लिए। दिस मेथड एंश्योर द अलाइनमेंट ऑफ द माइक्रोमीटर एंड विल फेस इज द पैरेलल टू द थ्रेड। इसमें क्या होता है, यह चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है। जैसे इस तरह से मान लो थ्रेडिंग है, जैसे अपने वायर यहाँ लगा दिया, यहाँ पर नीचे दो वायर लगा दिए, तो जब एनविल लगाते हैं तो आपको यह ध्यान रखना पड़ता है, एनविल क्यों चाहिए आपका, बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए, बिल्कुल फ्लैट, किसी भी एंगल पर तिरछा नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल फ्लैट और पैरेलल होना चाहिए एक दूसरे के, उसके बाद हम इससे सही से मेजरमेंट कर पाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर ये यहाँ पर डायग्राम दिया है थ्री वायर मेथड का, इसे समझ लेते हैं, ठीक है। देखते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डायग्राम दिया आपको थ्री वायर मेथड का कैसे यूज करते हैं। जैसे मान लो आपका कोई भी नट है जिसके चूड़ी बनी हुई है, उसका आपने ये वाला छोटा सा पार्ट ले लिया जो चूड़ी बनी हुई वाला पार्ट, उसका हम टॉप व्यू, उसका सॉरी कह सकते हैं फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू से देखने पर हमने क्या करा, यहाँ पे एक वायर को यहाँ लगा दिया और दो वायर को यहाँ पे लगा दिया इसके ग्रुप में,
ग्रुप के होते हैं जो चूड़ियों के बीच में खाली स्थान होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा दिया, एक एनविल लगा दिया, इस तरह से बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए ये एनविल, और एक एनविल यहाँ से लगा दिया जो दोनों वायर को आराम से एक जगह रोक के रखे। और आपने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को मेजर कर लिया, ये डिस्टेंस आपकी क्या हो गई, एस हो गई, ये डिस्टेंस आपकी एस हो गई। और जो वायर है, वायर की अगर बात करें, वायर का व्यास कितना है, स्मॉल डी है, वायर का व्यास स्मॉल डी है, और जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की वो हमने एस मान ली, कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आपको पूछ सकता है थ्री वायर मेथड में कौन सा फॉर्मूला यूज़ होता है, ठीक है। तो इसमें ये आपकी पिच हो जाएगी दोनों चूड़ियों के बीच के, ठीक है, आप समझ होंगे इस डायग्राम में। अब आगे देखते हैं इसमें, देखिए यहाँ पर थ्री वायर मेथड के लिए देखते हैं। यहाँ पर दिस मेथड इज मोर एक्यूरेट देन टू वायर मेथड एज इट एंश्योर अलाइनमेंट ऑफ माइक्रोमीटर फेसेस पैरेलल टू द थ्रेड एक्सेस, ठीक। इससे हम माइक्रोमीटर का यूज करके, भी हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं इफेक्टिव डायमीटर को। हियर थ्री वायर ऑफ एग्जैक्टली नोन डायमीटर, हमें तीनों वायर का डायमीटर ऑलरेडी क्या होता है, पता होता है, वन ऑन वन साइड एंड टू क्या होता है, अदर साइड में होता है। यहाँ पर जो हम फिगर जो हमने बनाया था उसमें, उसके अकॉर्डिंग हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये अभी देखते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, मान लो आपको इफेक्टिव डायमीटर निकालना है, कि इफेक्टिव डायमीटर हम कैसे डिनोट करेंगे, ई से। यहाँ पर एस दिया है, पिछली बार हमने देखा था तो एम दिया था, तो एस दिया एम दिया कोई दिक्कत नहीं है, एस दियो चाहे एम दियो। तो हम क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं इसका वैल्यू, कैसे निकालेंगे, हमारा फॉर्मूला होता है एक, ई इक्वल टू क्या था वहाँ पर, ई इक्वल टू था हमारा टी प्लस पी, टी प्लस पी था। उस फॉर्मूले का हम यूज़ करते थे, वहाँ पर जो हमारा टी होता था वो क्या हो जाता था, टी हमारा हो जाता था यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, टी का मान हमारा हो जाता था यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, एस। तो टी का मान हो जाता था हमारा एस माइनस ये वाले दोनों के डायमीटर, ठीक है, माइनस टू डी। तो एस माइनस टू डी करने पर टी का मान आ जाता था, और हमें चाहिए क्या था, टी और पी का मान। हमारा होता था ई इक्वल टू टी प्लस पी, जहाँ पर टी का मान तो हमारा आ गया किससे, एस माइनस टू डी से। लेकिन पी का मान निकालना है तो उसके लिए फार्मूला होता है, फार्मूला क्या था हमारा टू वायर मेथड में, 0.866 इन पी डैश, पी डैश यहाँ पर पिच होता था, माइनस माइनस होता था हमारा डायमीटर यहाँ पर। तो ये वाला फार्मूला आता था पी का मान निकालने के लिए। और दोनों के मान को हम ये करते थे, जब पुट कर देते थे ई के बराबर, तो हमारा आ जाता था टी प्लस पी का मान रखने पर मान आ जाता था इफेक्टिव डायमीटर का। तो इस तरह से हमने निकाला था टू वायर मेथड में। अब थ्री वायर मेथड में क्या डिफरेंस है फॉर्मूले में, वो देखते हैं हम, ठीक है। देखिए यहाँ पर थ्री वायर मेथड में भी हम क्या करते हैं, एक फार्मूला यूज़ करेंगे। उस फॉर्मूले की अगर बात करें, ये फार्मूला हम सबसे पहले हम मेजरमेंट कैसे करते हैं, ऐसे इस डायग्राम के जरिए हम करेंगे। डायग्राम के जरिए हम क्या करेंगे, वायर को लगाकर एनविल द्वारा नापेंगे, उनका व्यास नाप, डायमीटर हम वायर का हमें व्यास पता होगा, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, हम यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस का मान निकाल लेंगे ऑलरेडी, वो हमारा एम हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, ई हो जाएगी। इनका जब मान हम नोट कर, इनका मान ठीक है, ई कहाँ से कहाँ तक है, ई यहाँ से यहाँ तक है, ई क्या हमारा इफेक्टिव डायमीटर। तो इफेक्टिव डायमीटर को अगर मान निकालना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमारा फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। हमें क्या करना है, अगर ई का ये वाला मान निकालना है, ये वाला व्यास निकालना है, समझ रहे हैं आप। जैसे हमने जो वायर लगाया है यहाँ पर, तो वायर कहाँ तक टच कर रहा है, यहाँ तक टच कर रहा है, इसके नीचे टच नहीं कर रहा था, तो इसी तरह से यहाँ तक टच कर रहा था। तो इन दोनों का जो बीच का व्यास होता था, बीच का व्यास क्या होता है हमारा, इफेक्टिव डायमीटर, जिसे इसे डिनोट करते हैं। और ये मान निकालते कैसे हम, अगर हम टोटल जो डिस्टेंस है, टोटल इस टोटल में से क्या करें, ये वाला हिस्सा इन दोनों के व्यास को घटा दें, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। लेकिन इसमें आप देखिए थोड़ा क्या डिफरेंस है, जो नीचे वाला और थोड़ा ऊपर वाला पार्ट है, जो ऊपर वाला पार्ट है वो आपका देखिए टच नहीं कर रहा है, उसमें भी क्या हो रहा है, थोड़ा ब्रेथ का हिस्सा अंदर पहुंच गया है इसका। ये वाला देखिए, इसका बड़ा व्यू है ये, ठीक है। इसे हम मैग्नीफाई करके देखें तो इस तरह दिखेगा। तो आप इसमें देख रहे हैं, इसमें क्या है, ये वाला जो हिस्सा है आपका,
आप अगर मान लो डायरेक्ट माइनस करेंगे एम माइनस टू डी से, तो आपका देखो आपको चाहिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस चाहिए। तो देखो यहाँ पर थोड़ा ब्यास का, पूरे ब्यास का थोड़ा सा हिस्सा क्या गया, इस लाइन में भी तो आ गया है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसमें गलत हो जाएगा, इस चीज़ में ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा। तो इसमें फॉर्मूला आपका थोड़ा चेंज हो जाता है, देखो ये अंदर आ जाता है इसमें थ्री वायर मेथड में, ये आपका अंदर आ जाता है थोड़ा हिस्सा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला दूसरा होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले को एक बार देख लेते हैं, सिर्फ आपको ये फॉर्मूले याद रखना है, कैसे कैलकुलेट करना है ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। सर आप फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूले के लिए आप और यहाँ पे किसी से मतलब नहीं है। देखिए यहाँ पर ये दिया है फॉर्मूला आपका, ये आपका फॉर्मूला है, जो एम होता है टोटल, एम टोटल बाहर की जो डिस्टेंस थी एम, वो क्या होती है, एम होता है ई प्लस टू एच प्लस टू आर। अब देखो ये क्या है ये बता देते हैं, जैसे ये डायग्राम दिया है आपको, देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए एम क्या होता है, एम ये टोटल एम इक्वेशन बनाया अगर हम, तो ई तो होगा वो यहाँ से ई होगा, प्लस क्या होता है इन दोनों की रेडियस, रेडियस कहाँ से कहाँ तक की, जो सेंटर पॉइंट होगा इनका सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट से इधर की, मतलब सेंटर पॉइंट से ऊपर की डिस्टेंस क्या होगी, आर होगी। तो दोनों का आर लेंगे तो टू आर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की रेडियस जो होगी, मतलब इसके केंद्र से यहाँ तक की रेडियस क्या होगी, आर होगी। तो अगर हमें इस तरह का, इधर भी आर होगा इधर भी आर होगा, तो कितना हो जाएगा टू आर। तो इसमें क्या हो जाएगा, एम का मान हो जाएगा बराबर में ई प्लस टू आर, और जो बची हुई यहाँ से यहाँ तक की दूरी बची हुई लाइन तक की वो होगी एच, तो टू एच। तो ये हमारा इक्वेशन बनता है, इस इक्वेशन से मान निकालते हैं। आर तो आपको रेडियस पता ही होगा इसका, वो पुट कर देंगे। एम का मान आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं एनविल को रख के। एच का मान निकालने के लिए हम पूरी कैलकुलेशन करते हैं इसमें, कैलकुलेशन को आपको देखना नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं है, आपसे पूछा नहीं जाएगा ये। तो आप इसका फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है। इफेक्टिव डायमीटर निकालने का क्या हो जाएगा इसमें, एम इक्वल टू क्या आया था आपका इक्वेशन आता है, एम इक्वल टू ई प्लस टू आर प्लस टू एच। तो यहाँ से अगर बात करें ई का इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई इक्वल टू आ जाएगा एम माइनस टू आर माइनस टू एच। तो इस इक्वेशन का हम यूज़ करके मान निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी हमारा हो गया थ्री वायर मेथड कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपको अब हम यूज़ करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं हम गियर के लिए। गियर में हम पढ़ेंगे कौन कौन से गियर होते हैं, आपको पता ही होगा पहले, फटाफट हम ये चीज़ ख़त्म कर देंगे गियर वाला पार्ट, फिर इसमें पढ़ेंगे हम गियर में जो टीथ होते हैं उसकी प्रोफाइल को मेज़र कैसे करते हैं, उसके जो टीथ होते हैं उन्हें डायमीटर वगैरह ब्यास वगैरह कैसे मेजरमेंट करा जाता है। तो ब्यास, इफेक्टिव थिकनेस, इफेक्टिव डायमीटर और उनकी थिकनेस वगैरह को मेजरमेंट कैसे करते हैं इसमें देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं गियर क्या होता है, पता ही है ये तो। गियर क्या होता है, एक डिवाइस होता है, मैकेनिकल डिवाइस, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, पावर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं। तो देखते हैं गियर क्या है, गियर इज़ अ डिवाइस, इसके द्वारा क्या करते हैं, पावर ट्रांसमिशन इज द मूवमेंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम इट्स प्लेस ऑफ जनरेशन टू अ लोकेशन वेयर इट इज़ अप्लाइड टू परफॉर्मिंग यूजफुल वर्क। मतलब गियर का यूज़ करके हम पावर को ट्रांसमिट करते हैं, कहाँ से, वहाँ पर जहाँ से हम पावर जनरेट कर रहे हैं, वहाँ से जहाँ पर हमें ट्रांसफ़र करनी है, मतलब जहाँ से पावर जनरेट कर रहे हैं वहाँ से जहाँ पर हम पावर का यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर गियर द्वारा पावर को ट्रांसमिट करते हैं। अ गियर इज़ अ कंपोनेंट विद इन अ ट्रांसमिशन डिवाइस दैट ट्रांसमिट रोटेशनल फोर्स टू अनदर गियर और डिवाइस, ठीक। गियर क्या होता है, गियर इज़ अ कंपोनेंट, एक कंपोनेंट होता है विद इन अ ट्रांसमिशन डिवाइस, जिसका यूज़ होता है ट्रांसमिट करने के लिए, ऑफ रोटेशनल फोर्स टू अनदर गियर डिवाइस, अनदर गियर डिवाइस पर पावर को ट्रांसमिट करने के लिए एक तरह से हम यूज। अब गियर के टाइप्स देखते हैं, गियर के कौन कौन से टाइप होते हैं, अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ एक्सेस ऑफ शाफ्ट, शाफ्ट की एक्सेस के आधार पर कौन कौन से गियर होते हैं, स्पर गियर, पैरेलल, जब शाफ्ट आपकी पैरेलल होती है, ठीक है, शाफ्ट की जहाँ जहाँ एक्सेस, ठीक है, शाफ्ट की एक्सेस के आधार पर हम गियर को डिफाइन कर रहे हैं, कौन कौन से क्लासिफाई कर रहे हैं गियर की, शाफ्ट के आधार पर, एक्सेस के आधार पर, ठीक है, शाफ्ट की एक्सेस के आधार पर। जब मान लो दोनों शाफ्ट की एक्सेस पैरेलल है तो उनमें कौन कौन से गियर होते हैं, स्पर गियर, हेलिकल गियर और रैक एंड पिनियन गियर। तो ये तीनों गियर जो होते हैं इन दोनों के जो एक्सेस होते हैं शाफ्ट के पैरेलल होते हैं हमेशा,
तो हमारे उसमें एग्जाम्पल हो गया हमारा स्पर गियर, हेलिकल गियर और रैक एंड पिनियन, जब आपके दोनों शाफ्ट पैरेलल होते हैं और जब आपके दोनों शाफ्ट इंटरसेक्टिंग करती हैं तो उसमें कौन सा होता है, बेबल गियर। तो बेबल गियर का यूज़ करके हम बेबल गियर का वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ दोनों शाफ्ट की होती हैं इंटरसेक्टिंग होती है, तब आपको पावर ट्रांसमिट करने के लिए बेबल गियर का यूज़ करते हैं। और जहाँ पर ना ही पैरेलल होती है शाफ्ट ना ही इंटरसेक्ट करती है तो उसमें होता है वॉर्म एंड वॉर्म गियर। तो वॉर्म एंड वॉर्म गियर का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पर आपके शाफ्टें ना ही पैरेलल हों और ना ही इंटरसेक्ट करें। ठीक है, आगे देखते हैं, अब एक एक करके गियर पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें पैरेलल शाफ्ट वाला, तो पैरेलल शाफ्ट में कौन सा है, इसमें स्पर गियर। स्पर गियर का डायग्राम आपको दिख रहा है, इसमें जो आपके टीथ होते हैं वो शाफ्ट के एक्सिस के क्या होते हैं, बिल्कुल पैरेलल होते हैं। तो जैसे आपके जो शाफ्ट के एक्सिस होगी उसके पैरेलल होते हैं टीथ, किसी भी एंगल पर झुके नहीं होते हैं। ये हमारा क्या है, स्पर गियर है। स्पर गियर के जरिए हम क्या करेंगे, पावर ट्रांसमिट करेंगे एक गियर से दूसरे गियर में। यहाँ पर अगर बात करें, टीथ इज पैरेलल टू द एक्सेस ऑफ रोटेशन, जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है उसके पैरेलल होते हैं टीथ। ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट, पैरेलल शाफ्ट में ट्रांसमिट करने के लिए इसका यूज़ करता है, मतलब पैरेलल शाफ्ट में मोशन को या पावर को ट्रांसमिट कर रहा है। तो करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्पर गियर का यूज़ करेंगे। यूज इन इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर ऑक्सीलेटिंग, ठीक है, मतलब ये इसमें एग्जाम्पल है इसके कहाँ का यूज़ होता है। वॉशिंग मशीन जो होती है, वॉशिंग मशीन में भी हमारा ये स्पर गियर यूज़ होता है। ठीक है, ठीक है, इसका यूज़ होता है वॉशिंग मशीन में, अलार्म में यूज़ होता है, क्लॉथ ड्रायर में यूज़ होता है, क्लॉक में यूज़ होता है। ठीक है, ये एग्जांपल होगा इसके। अब देखते हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्पर गियर, जो हमारे इस पर हमने कौन सा गियर पढ़ा था, अभी स्पर गियर पढ़ा था। तो स्पर गियर में भी दो टाइप्स के होते हैं स्पर गियर, कौन कौन से होते हैं, इंटरनल। इंटरनल में क्या होता है, जो टीथ होते हैं वो अंदर वाली सतह पे बनी है इसमें, मान लो, तो अंदर वाली सतह पे पावर ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ करते हैं हम ये। तो उसके लिए हम जो होता है, एक पर अंदर की सतह पे टीथ बने हो और दूसरे पे बाहरी तरफ बने हो, तो आपको क्या कहेंगे उसे, स्पर गियर। स्पर गियर आपका ये वाला पार्ट है, तो ये स्पर गियर का इंटरनल वाला थ्रेड वाला पार्ट ये है। ठीक है, इंटरनल स्पर गियर ये है। तो इसमें क्या होता है, जो टीथ होते हैं वो अंदर बने होते हैं और जो टीथ बाहर की तरफ बने होते हैं तो उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल स्पर गियर। ठीक है, तो ये इंटरनल स्पर गियर हो गया। ठीक है, ये इंटरनल और ये एक्सटर्नल स्पर गियर हो गया। आगे देखते हैं हेलिकल गियर, देखते हैं हेलिकल गियर का हमें पता ही है। हेलिकल गियर में क्या होता है, जो हमारे टीथ होते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे टीथ जो है वो किसी एंगल पर झुके हुए हैं, तो जिस एंगल पर झुके होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हेलिक्स कोण कहते हैं। किसी भी शाफ्ट की एक्सिस के साथ जिस कोण पर आपके एंगल, मतलब है गियर के टीथ झुके होते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम हेलिक्स कोण कहते हैं। उसे हेलिक्स कोण का अल्फा से डिनोट करते हैं। तो हेलिकल गियर में क्या होता है, जो हमारे टीथ हैं वो टीथ किसी न किसी एंगल पर झुके होंगे शाफ्ट के एक्सिस के साथ। इसका आपको डायग्राम दिख रहा है, ये इस डायग्राम में आप देख सकते हैं जो टीथ हैं वो कैसे कर्व शेप में एंगल पर झुके हुए नहीं है। तो इस तरह के ये हमारा एग्जाम्पल हो गया हेलिकल गियर का, ये भी हेलिकल गियर का ही यूज़ हो गया। ठीक है, हेलिकल गियर है ये भी। और हेलिकल गियर ये दो तरह के होते हैं, सिंगल हेलिकल गियर और डबल हेलिकल गियर। सिंगल हेलिकल गियर में क्या होता है, पूरे पे जो टीथ होते हैं सिर्फ एक तरफ झुके होते हैं, वो हमारा सिंगल हेलिकल होता है। ये वाला डायग्राम आपका डबल हेलिकल है, इसमें क्या है, आधी सतह पे तो एक तरफ झुके हुए हैं, आधी सतह पे इसके अपोजिट साइड में झुके हुए हैं। तो ये डबल हेलिकल गियर है, ये सिंगल हेलिकल गियर है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन एक बार, चलो डेफिनेशन रहना दो, डेफिनेशन तो पता ही है। रैक एंड पिनियन भी पता ही है हमें, रैक एंड पिनियन का यूज़ करते हैं पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, जब दोनों शाफ्ट क्या हो, पैरेलल हो। तो आप ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, नीचे वाला पार्ट, इसमें क्या है, ये रैक है। इसमें क्या होता है, ये सीधे सतह में होता है ज़्यादातर, इसमें टीथ होने होते हैं बाहरी सतह पर। और ये जो छोटा वाला पार्ट है, ये हमारा क्या, पिनियन है, इसके बाहर पूरी सतह पर, ठीक है, बने हुए हैं। इसका हम रैक एंड पिनियन आर यूज टू कन्वर्ट रोटेशन फ्रॉम द पिनियन इन लीनियर मोशन, मतलब मेनली अगर हम बात करें रैक एंड पिनियन का, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं जहाँ पर रोटेशनल मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करना होता है, या फिर लीनियर मोशन को रोटेशन मोशन में कन्वर्ट करना होता है, वहाँ पर यूज़ करते हैं। इसका एग्जांपल के लिए अगर बात करें, तो एग्जांपल है इसका स्टेयरिंग सिस्टम, जो कार हम चलाते हैं कारों में जो स्टेयरिंग सिस्टम होते हैं, स्टेयरिंग सिस्टम में बात करें कौन सा गियर होगा, रैक एंड पिनियन गियर होता है। ठीक है, अगला गियर है हमारा स्ट्रेट एंड स्पायरल बेवल गियर।
तो जो बेवल गियर है, बेवल गियर का हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर जो शाफ्ट है आपके किसी न किसी एंगल पर होती हैं। ज़्यादातर जो शाफ्ट है वो 90 डिग्री पर यूज़ होती हैं पावर ट्रांसमिट करने के लिए। तो जब दोनों दो शाफ्टें 90 डिग्री पर हों, आपको पावर ट्रांसमिट करनी हो, तो आप यूज़ करेंगे बेवल गियर। बेवल गियर के जो टीथ होते हैं वो आपके सीधे भी होते हैं कहीं पर, तो सीधे होते हैं तो उसे हम कहते हैं स्ट्रेट बेवल गियर। और इसमें क्या है, जो टीथ हैं वो किसी एंगल पर झुके हुए हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्पायरल बेवल गियर। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है हमारा ये हमारा कौन सा टाइप है, ये थर्ड टाइप हो जाएगा जब आपके दोनों शाफ्ट ना ही पैरेलल हो और ना ही इंटरसेक्ट करें। तो उसका एग्जांपल आइए, वॉर्म एंड वॉर्म गियर के देखते हैं। इसका हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर दोनों शाफ्ट क्या हो, ना ही पैरेलल हो ना ही इंटरसेक्ट करें। इसमें आपका जो ये वाला पार्ट दिख रहा है ये वॉर्म व्हील कहलाता है, ये वाला आपको वॉर्म कहलाता है। तो वॉर्म और एंड वॉर्म गियर का अरेंजमेंट करके हम इससे पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आपने देखा होगा इसमें जो टीथ होते हैं, जैसे कोई भी आपका गियर होगा, गियर में सबसे जो मेन पार्ट होता है पावर कैसे ट्रांसमिट होती है, इन टीथ के जरिए। तो जो टीथ आपके ये होते हैं, इन टीथ की जो प्रोफाइल होती है किस किस तरह की होती है, ये प्रोफाइल देख लेते हैं। प्रोफाइल से मतलब क्या है ये वो देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, गियर की हम बात करते हैं, फॉर्म्स ऑफ टीथ, फॉर्म्स कह सकते हैं या फिर प्रोफाइल कह सकते हैं। जैसे आपका गियर का जो टीथ होता है कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, गियर का जो टीथ होता है कुछ इस तरह से ही होता है हमारा। इस तरह से जो गियर का टीथ होता है उसका ये जो प्रोफाइल होता है आपका, उसमें डिफरेंस हो सकता है। जब आपका गियर द्वारा पावर का ट्रांसमिशन होता है, जब एक गियर क्या करेगा दूसरे गियर के टीथ के साथ मैश करता है, तो जब पावर वो ट्रांसमिट करता है तो ट्रांसमिट करने पर उसकी जो प्रोफाइल बनती है, मतलब पावर को ट्रांसमिट करने में उसकी जो प्रोफाइल बनती है, वो नॉर्मली दो तरह की होती हैं प्रोफाइल्स, उनके बारे में पढ़ लेते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, गियर द्वारा जो प्रोफाइल्स बनती हैं उनके बारे में देख लेते हैं। फॉर्म्स ऑफ टीथ, ठीक है, गियर के जो फॉर्म्स होती हैं टीथ की, इन एक्चुअल प्रैक्टिस फॉलोइंग आर टू टाइप्स ऑफ टीथ कॉमनली यूज्ड। जो हमारे गियर होते हैं, गियर की जो प्रोफाइल होती है नॉर्मली दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, साइक्लॉयडल और इनवॉल्यूट टीथ। जो हमारे टीथ होते हैं वो दो तरह की प्रोफाइल में पाए जाते हैं, एक तो साइक्लॉयडल टीथ और दूसरा इनवॉल्यूट टीथ। इनवॉल्यूट और साइक्लॉयडल टीथ क्या होते हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम समझ लेते हैं पहले साइक्लॉयडल टीथ क्या होता है, फिर इनवॉल्यूट टीथ समझेंगे। तो साइक्लॉयडल टीथ की बात करें, अ साइक्लॉयड इज द कर्व ट्रेस बाई ए पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस अ सर्कल विच रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन अ फिक्स स्ट्रेट लाइन। वैन अ सर्कल रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन द आउटसाइड ऑफ द फिक्स सर्कल, द कर्व ट्रेस बाई ए पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज नाउन एज इपीसाइक्लॉयड। मतलब साइक्लॉयडल द्वारा जो प्रोफाइल बनती है उसे हम इपीसाइक्लॉयड कहते हैं, इपीसाइक्लॉयड। अब ये क्यों कहते हैं समझते हैं। देखो, साइक्लॉयड की बात करें, साइक्लॉयड होता क्या है, सबसे पहले अगर मान लो हमने कोई गेंद ले ली, ठीक, इस गेंद को हमने क्या करा, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे क्या करा, इसे रोल कराने से पहले हमने एक पॉइंट को ही मार्क कर लिया इसका। ठीक है, इसके एक पॉइंट मार्क करते हैं, कलर दूसरा कर लेते हैं। यहाँ पर मान लो हमने यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर दिया, ठीक है, मान लो आपने किसी भी एक पॉइंट को मार्क कर दिया, मतलब जो आपका गेंद है उसका मान लो कोई पॉइंट मार्क कर दिया, और पॉइंट मार्क करने के बाद आप क्या देखेंगे, ये गेंद हल्के हल्के आगे घूमेगी, घूमते आगे बढ़ेगी और इसी तरह से और आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ेगी, इस तरह से हमारा गियर आगे बढ़ेगा। जो मतलब गेंद को हम जब लुढ़काएंगे यहाँ पे, तो लुढ़कने के बाद वो लुढ़कते लुढ़कते आगे बढ़ती जाएगी। और यहाँ पर देखिए, जब लुढ़केगी तो हमने शुरू में जो माना था वो ये माना था पॉइंट, और ये पॉइंट शुरू में जब हमने ये माना था, या फिर हम ऊपर ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, मान लो चलो यहाँ पर हमने जो यहाँ पर लिया है पॉइंट, ठीक है, ये वाला हमने जो पॉइंट लिया है, जब हम इसे स्टार्ट करेंगे घुमाना, तो घूमने के बाद ये पॉइंट क्या आ जाएगा, थोड़ा आगे घूम जाएगा, फिर और ये और यहाँ पर आ जाएगा, फिर और घूमेगा, फिर ये यहाँ पर आ जाएगा, फिर और घूमने पर इसका यहाँ पर आ जाएगा। मतलब जो टीथ द्वारा जो प्रोफाइल बनी इसकी, कुछ कह सकते हैं हम इस तरह से बन रही है। लेकिन जब ये बड़ी गेंद में देखा जाए तो जो आपकी प्रोफाइल होती है कुछ इस तरह से बन जाती है। मतलब किसी भी गेंद को जब हम किस सरफेस से लुढ़काते हैं
तो उसकी प्रोफाइल कुछ इस तरह ही बनती है, और उस प्रोफाइल को कहते हैं साइक्लॉइडल प्रोफाइल कहते हैं। जैसे मान लो ये बड़ा व्हील है, ठीक है, इस तरह से हम ले लेते हैं यहाँ पे, मान लो ठीक है, मान लो हमने वाला पॉइंट मार्क करा, अब वो थोड़ा आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर आ जाओ, फिर आगे बढ़ेगा फिर यहाँ पर आ जाओ, फिर आगे बढ़ेगा फिर यहाँ आ जाओ। तो जो हम प्रोफाइल बनाएंगे इसके द्वारा मिला के, वो प्रोफाइल हमारी कुछ इस तरह से बनती है, और उस प्रोफाइल को हम क्या कहते हैं, साइक्लॉइडल प्रोफाइल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो लिखा है वो समझ में आ गया होगा। आ साइक्लॉइड इज द कर्व, एक कर्व होता है ट्रेस बाई ए पॉइंट, किस कौन सा पॉइंट, ऑन अ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल विच रोल्स विदाउट द स्लिपिंग। कोई ऐसा सर्कल जो रोल्स कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, उस पर हमने कोई पॉइंट मार्क कर दिया, और वो पॉइंट मार्क करने के बाद जो ऐसे वो लुढ़कता जाएगा, तो उसके द्वारा जो कर्व ट्रेस होगा वो कर्व बनेगा, वो कर्व भी क्यों होता है आपका साइक्लॉइडल प्रोफाइल बनाता है, उसे हम कहते हैं ईपी साइक्लॉइड। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिए होंगे, जिसमें से आपको एक ऑप्शन पूछा जाएगा सही। ठीक है, तो ये आपको जैसे दिख रहा है यहाँ प्रोफाइल दिख रही है, ये प्रोफाइल आपकी कौन सी, साइक्लॉइडल प्रोफाइल है एक तरह से। तो यहाँ पर जैसे आपका यहाँ पर ये यह प्रोफाइल आई है, ये कैसे आई है, मान लो यहाँ पर जैसे हमारा एक व्हील है, हमारे यहाँ पर एक छोटी सी गेंद है, मान लो उसका हमने कोई पॉइंट मार्क कर देंगे, तो उस पॉइंट को मार्क करने के बाद, मान लो हमने यहाँ पर पॉइंट मार्क कर दिया, तो जब उससे घुमाएंगे तो जो पॉइंट उसका आगे इस तरह से बनेगा, तो उसके डायरेक्ट उन्होंने डायग्राम बना दिया, तो उसकी जो प्रोफाइल आती है कुछ इस तरह से आती है, उस प्रोफाइल को हम कहते हैं साइक्लॉइडल प्रोफाइल। और ये कब आती है, जब कोई गेंद विदाउट स्लिपिंग क्या करे, रोल करे किसी सरफेस पर, जब रोल करेगी तो आपको जो प्रोफाइल बनेगी तो वह उसे हम कहेंगे साइक्लॉइडल प्रोफाइल। ठीक है, ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं हम इसमें, ये एक प्रोफाइल और है, ये और देखना है। ठीक है, इनवॉल्यूट टीथ, इन्वॉल्यूट टीथ में क्या होता है, इसमें अगर मान लो कोई टेप है, ठीक है, मान लिया कोई टेप है हमारे पास, टेप है, उस टेप में क्या है, इस तरह से रील है, टेप खूब मोटा है, उसमें से क्या करा, टेप को आपने अनबाउंड करा, मान लो टेप को क्या कर रहे हैं आप, खोल रहे हैं टेप को, जो आपका टेप होता है, ठीक है, जो पन्नी वाला टेप होता है चिपकाने वाला, तो उस टेप को आपने अनबाउंड करा, खोला, तो खोलने के बाद एकदम स्ट्रेट करके कहीं पर एकदम सीधा खींच लिया, तो जो आपकी इस तरह से प्रोफाइल बन रही है, या फिर इस तरह से आपने और अनवाउंड करा, ठीक है, उस पॉइंट को मार्क कर दिया, मान लो मतलब आपने एक टेप लिया जैसे, ठीक, उस टेप को आपने खोलना स्टार्ट करा, खोला तो ये पॉइंट आ गया, आपने और खोला तो वो पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा, और खोलेंगे तो आप ये यहाँ पहुँच जाएगा, तो उसके द्वारा जो प्रोफाइल बनती है, मतलब टेप को अनबाउंड करने पर जो आपका कर्व ट्रेस होता है, वो आपका कर्व क्या कहलाता है, आपका इनवॉल्व टीथ कहलाता है। इसमें डायग्राम दिया है, इससे समझा देते हैं इसे। सबसे पहले समझ लेते हैं इनवॉल्यूट टीथ क्या होता है। एन इनवॉल्यूट ऑफ ए सर्कल इज ए प्लेन कर्व जनरेटेड बाई ए पॉइंट ऑन ए टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब क्या, बिल्कुल स्ट्रेट कर दें उसे, कर्व विच रोल्स ऑन द सर्कल विदाउट स्लिपिंग और बाई अ पॉइंट ऑन अ टॉट स्ट्रिंग विच इन अनरैप्ड है। ठीक है, अनरैप्ड का मतलब क्या है, जैसे हम किसी टिप को खोलते हैं तो अनरैप्ड कहते हैं उस कंडीशन को, खोलते हैं। ठीक है, इन कनेक्शन विद द टूथेड व्हील द सर्कल इज नाउन एज अ वेस सर्कल। ठीक है, द इन्वॉल्यूट इज ट्रेस एज फॉलोज। देखो यहाँ पर मान लो ये कोई टेप है, वेस सर्कल है मान लो, ठीक है, उन्होंने क्या करा, मान लो किसी जगह से धागा भी हो सकता है, धागा को अनवाउंड करें, या फिर ये टेप है मान लो, तो उन्होंने क्या करा, उसे खोलना स्टार्ट करा, तो खोलने के बाद उन्होंने जो देखा, तो जो जहाँ पर वो पोजिशन होगी वहाँ से लंब डाल देंगे केंद्र पर, तो आ जाएगी पिच पी बना जाएगी उसकी, उससे कोई मतलब नहीं है, तो आपने अनबाउंड करा, इस तरह से आ गया, उसका पॉइंट आपने मार्क कर दिया A1। ठीक है, A1 मार्क कर दिया, और खोला आपने तो यहाँ पर आ गया, और खोला आपने तो यहाँ पर आ गया, इस तरह से आपको जो तीनों पॉइंट आए उन्हें मिलाने के बाद जो प्रोफाइल आपको आ गई, वो प्रोफाइल आपकी क्या होती है, इन्वॉल्यूट टीथ प्रोफाइल होती है। तो इन्वॉल्यूट टीथ प्रोफाइल आती कब है, जब किसी बेस सर्कल को, मान लो कोई स्ट्रिंग है, इस पर डोरी लिपटी हुई है, उसे हम क्या करें, अनरैप्ड करें, मतलब खोलें उसे, और खोलने पर इस पॉइंट को मार्क कर दें, और उस पॉइंट को मार्क करने के बाद खोलते रहें, और उसकी गति, हम उसका पाथ को देखते रहें, पाथ कैसे बनना है, उस तरह की प्रोफाइल जो आपको प्राप्त होगी, वो प्रोफाइल हमारी होती है इन्वॉल्व टीथ प्रोफाइल होती है। ठीक है, समझे होंगे आप। अब हम इसमें देख लेते हैं जो हमारे टीथ होते हैं वो किस तरह से उनका मेजरमेंट करा जाता है। ठीक है, टीथ का मेजरमेंट यहाँ देखते हैं, मेजरमेंट ऑफ टूथ थिकनेस। तो आप अभी तक आपने पढ़ लिया था गियर के होते हैं, गियर के टाइप्स के होते हैं, भाई सब पढ़ लिया, लेकिन मेन हमारा काम क्या है यहाँ पर, अब मेन हमें अब पढ़ना है जो टीथ होते हैं उनका टीथ का मेजरमेंट किससे करते हैं, कौन से डिवाइस से करते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो गियर होते हैं गियर में जो टूथ का मेजरमेंट कराना पड़ेगा, मान लो गियर बना लिया, आपको चेक करना पड़ेगा गियर
बने हुए वो सही बने हैं या नहीं बने हैं, तो गियर का मेजरमेंट करना पड़ेगा या बनाते समय मेजरमेंट करते हैं। तो गियर का मेजरमेंट करते किससे हैं तो वो देखते हैं। तो गियर में जो टीथ हैं वो टीथ का मेजरमेंट किससे करते हैं, मेजरमेंट ऑफ टूथ थिकनेस, टूथ का थिकनेस का मेजरमेंट हम किससे करेंगे, बाई गियर टूथ वर्नियर कैलिपर। मतलब किसके सहायता से हम मेजर करते हैं टूथ का थिकनेस, बाई गियर टूथ वर्नियर कैलिपर। तो एक वर्नियर कैलिपर होता है जिसका काम होता है गियर के टूथ को, मतलब गियर के दांत को मेजरमेंट करने का काम होता है। मतलब जो गियर के जो टीथ हैं यहाँ पर उसका मेजरमेंट करने के लिए जो हम वर्नियर कैलिपर का यूज़ करते हैं, ठीक है भैया, आपका यूज़ होता है किसी भी गियर में टीथ के मेजरमेंट के लिए, ठीक है। तो गियर के टीथ का मेजरमेंट किसके सहायता से करते हैं हम, गियर टूथ वर्नियर कैलिपर द्वारा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। और हम आगे देखते हैं इसमें, द गियर टूथ थिकनेस कैन बी, ठीक है, मेनली अगर हम बात करें इसका पूरे देख लेते हैं। जैसे आपने यहाँ पर देख रहे हैं आसानी से इससे मेजरमेंट तो कर ही सकते हैं, ये आपका देख रहे हैं, ठीक है, ये आपका मान लो टीथ है। तो टीथ का मेजरमेंट हम करते किस तरह से, जैसे इसका पिच सर्कल होता है, पिच सर्कल है इस तरह से, ठीक है, यहाँ से देख रहे हैं आप सेंटर से, क्या है सेंटर से पिच सर्कल जा रही है बिल्कुल सेंटर से दांत के। तो आपको इस वर्नियर कैलिपर द्वारा, टूथ गेज वर्नियर कैलिपर द्वारा इस तरह से वर्नियर को लगाना पड़ता है यहाँ पर, कि आपका जो पिच सर्कल के ये ऊपर रहे, और ऊपर रहने के बाद इसे फिक्स कर देते हैं। फिक्स करने के बाद आपका एक देख, एक ये वाला है हॉरिजॉन्टल इसका स्केल है, और एक ये क्या वर्टिकल स्केल है। हॉरिजॉन्टल स्केल और वर्टिकल के स्केल के सहायता से हम क्या करते हैं, इनकी रीडिंग को नोट करके मेजरमेंट कर लेते हैं। इसमें जो आपका ये वाला होता है ये फिक्स जा कहलाता है, ये मूवेबल जा कहलाता है, ये आगे पीछे मूव करेगा, ठीक है। तो इन्हें इनके बीच में अरेंज करके इसके बाद जो रीडिंग आती है उसे हम रीडिंग को नोट करके उसका एक कैलकुलेशन करके मान निकाल लेते हैं, ठीक है। या कुछ हमारे जो गियर टूथ बनने के लिए होते हैं वो ऑटोमेटिक भी होते हैं, डिजिटल होते हैं। डिजिटल वाले में क्या होता है, बस इनके दांत को फंसा दो और उसमें आप रीडिंग डायरेक्ट देख सकते हैं। तो आप ये याद रखना, गियर टूथ बनने कैलिपर का यूज़ करके हम टीथ की थिकनेस को मेज़र करते हैं, बस।